खरगोन जिले में आबकारी विभाग अवैध शराब माफियाओं पर दबिश देकर लगातार कार्यवाही कर रहा है, पर ऐसे में एक युवक ने आबकारी अधिकारी पर ही आरोप लगा दिया है कि उक्त अधिकारी ठेके की शराब का अवैध विक्रय कर रहा है। बात का पता तब चला जब युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत आवेदन पेश किया। दरअसल मामला कसरावत का है, जहां सागर राकेश जायसवाल ने आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय पर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि उक्त अधिकारी धौंस देकर लोगों पर अवैध शराब के झूठे केस दर्ज कर रहा है, जबकि खुद ठेका शराब व्यवसाय में लिप्त होकर शराब का परिवहन करके इंदौर तक माल बिकवा रहा है। इस दौरान राकेश ने यह भी बताया कि मेरा वाहन रोककर अधिकारी जबरन शराब रख कर झूठा केस बनाने की फिराक में था और जहेज से निकलकर थाने पर शिकायत करने पहुँचा हूँ। वहीं घटना को लेकर आबकारी अधिकारी की माने तो उक्त वाहक को चालान चेकिंग के लिए रोका गया, जो मौके से फरार हो गया और सूचना पुलिस देने के बाद वाहन पकड़ने की दशा में झूठे आरोप लगाने लगा। वहीं अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में युवक भ्रमित कर रहा है। बहरहाल घटना के बाद पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जांच के बाद ही सभी परत खुल पाएगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। थाने पर आकर के आपने ज्ञापन दिया, आवेदन दिया? सर, मैं महेश्वर साइड से मेरे घर की ओर आ रहा था कसरात की ओर। मुझे रास्ते में थोड़ा फाटे पर जिला अधिकारी आबकारी राधेश्याम राय और देवराज नगीना और उनकी टीम ने मेरे साथ वहाँ पर गाली गलौज की, मुझे धमकियाँ दी गई मारने की। मुझे केस प्रकरण बताया गया कि 34(2) और 307 की उम्र पर मैं धारा लगवा सकता हूँ। यही कारण मुझे गाली गलौज की, प्लस धमकी दी और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। मेरी गाड़ी में जब माल रखना चाह रहे थे वहाँ पर। कौन सा माल रखना चाह रहे थे? शराब। मेरी गाड़ी में वहाँ पे मेरे को रुका, मैंने बातचीत की, मेरी गाड़ी में जबरदस्ती शराब रख रहे थे। मैं वहाँ से मेरी गाड़ी मेरी बढ़ाई निकालने लगा, इन्हें चारों गाड़ी से घिर लिया और मेरी गाड़ी को टक्कर मार दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। आपने पुलिस थाने में शिकायत की? हाँ, पुलिस थाने में शिकायत की है, आवेदन भी दिया है। और क्या इसमें एक बात ये बताई गई है कि शासकीय लाइसेंसधारी ठेकेदार और राय साहब की पार्टनरशिप है दोनों की, और वो उनकी पार्टनरशिप की वजह से लोगों को परेशान किया। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ठेकेदार है इनके द्वारा भी आई साइड के क्षेत्रों में इंदौर तक शराब का माल वितरण किया जाता है, इसका वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। क्या नाम है आपका? सागर राकेश जायसवाल। शराब को लेकर सहायक आबकारी अधिकारी राधेश्याम राय के द्वारा पिछले कई महीनों से जबरन लोगों पर अवैध प्रकरण बनाकर उनको डरा धमका कर उन पर 34(2) के प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं और उनकी पार्टनरशिप कसरावत ग्रुप में है, इसलिए वो आए दिन झूठे प्रकरण बना रहे हैं और लोगों को 34(2) में फंसा रहे हैं और मार भी रहे हैं उनको, जबकि मारने का अधिकार नहीं है उनको, और वो मारते भी हैं लोगों को जबरन, और जो जबरन धमकी देते हैं कि तेरे ऊपर हम 34(2) बना देंगे, तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, और उनसे पैसे लेते हैं। एक एक 34(2) प्रकरण पे 3-4 लाख रुपए लोगों से ले रहे हैं। आज भी कोई मारपीट हुई किसी के साथ? आज भी उनमें जो है सागर जायसवाल करके लड़का है, वो यहाँ पर हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो जो है अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसके पीछे 4 गाड़ियाँ लगाई उनने और उसकी गाड़ी को ठोकी, कार को उसके अपनी बोलेरो से ठोकी, और ठोकने के बाद वो जान बचा के भागा थाने में। वो थाने में आया कि जब मेरे ऊपर जबरन मेरे गाड़ी में माल रख के प्रकरण नहीं बनाते। उनकी शिकायत करती है थाने की? शिकायत अभी सागर जायसवाल और हम सब लोगों के द्वारा थाने पर की गई है कि इनके ऊपर जान से मारने की उनने इनको धमकी दी और इस पर झूठा प्रकरण बनाने का उनने बोला, शेयर को झूठा प्रकरण बनाए। आपका नाम? जितेंद्र पाटीदार। ये हम लोगों के खिलाफ आवेदन नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया जो भागा, उसको ओवरटेक करके हम रोकने का प्रयास किया तो उसने यू टर्न लेके हमारी गाड़ी को रगड़ते हुए निकल गया। फिर हम लोगों ने थाने में सूचना दी, थाने वालों ने उसको चौराहे पर रोक लिया गाड़ी। उसके बाद समस्त घटना और कार्यक्रम की सूचना थाने पर दी, चले आए। उसके बाद अब क्या हो रहा है उसके मुझे ज्ञात नहीं है। आपके द्वारा एक और आरोप लगाया गया है कि ठेके पर आपकी 50% का 100% भी लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लगाना आरोप लगाना तो बहुत साल मानने की बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।